हेलो एवरीवन, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? मैं हरबीर सिंह एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं स्टडी 24 ऑफिशियल ग्रुप में। तो आज की इस वीडियो में एडवोकेट अशोक अग्रवाल सर से हम बात करेंगे, और ये जो रिकॉर्डिंग है ये फ्राइडे की है, और इसमें आप सुनेंगे कि न्यू वैकेंसीज़ के बारे में बात की गई है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, एडवोकेट अशोक अग्रवाल सर का टारगेट है कि 2023 और 24 का जो सेशन होगा उस समय तक वैकेंसीज पूरी भरी होनी चाहिए, कोई भी वैकेंट पोस्ट नहीं होनी चाहिए। तो उसके लिए काम कर रहे हैं, तो इस हिसाब से बहुत सारी वैकेंसीज आपको देखने को मिलेंगी। तो उसी कड़ी में जो ये बात हुई है, तो सर बहुत बड़ा स्टेप लेने वाले हैं, वो सारी चीज़ें आप सुन सकते हैं। और प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप लोगों के लिए बहुत मेहनत करते हैं, और ऑथेंटिक जो न्यूज़ होगी वो इस चैनल पे ही आपको मिलेगी। तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। सो थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। हेलो। हाँ हरबीर जी, बोलो। सर जी नमस्कार। नमस्कार सर जी, कैसे हैं आप? एकदम फाइन, सुपर फाइन। थैंक यू। सबसे पहले तो आपके प्रयासों से, आपकी वजह से इतने सारे रिजल्ट्स आ गए, और बच्चे अच्छी बात है। हाँ जी, हाँ जी, बहुत सारे रिजल्ट्स हमसे तो काउंट भी नहीं किए गए सर, आपने इतने सारे रिजल्ट्स निकलवा दिए। हालांकि एक रिजल्ट तो कल आने वाला था, लेकिन बोर्ड ने स्पेशल नोटिस निकाला कि ये रिजल्ट लेट हो जाएगा, और एक दिन के लिए भी नोटिस डाला कि हाँ एक तारीख को आएगा, 30 को नहीं आएगा। अच्छी बात है, इनको प्रेशर में काम करना चाहिए। नहीं सर, बड़ा अच्छा लगा, बहुत अच्छा काम हो रहा है आपकी वजह से सर। लेकिन सर थोड़ी सी ये है कि जैसे कैलेंडर जारी किया था बोर्ड ने, और उसके हिसाब से कोई वैकेंसीज आई नहीं है। जो वैकेंसीज, बहुत सारी वैकेंट बताई गई थी उसमें टेंटेटिव जो कैलेंडर आया था, तो सर वैकेंसीज के लिए या कुछ पेंडिंग वैकेंसीज हैं जो रिक्विजिशन भेज दी, शायद वो एडवर्टाइजमेंट नहीं हुई है, तो ऐसी बहुत सारी बच्चे क्वेरी लेके आते, तो सर उस पर भी अगर कुछ आप कर पाते। वो इन्फॉर्मेशन पे डिपेंड करता है ना, अब कल सैटरडे है, कल रिव्यू करेंगे। अच्छा जी। आप देखते हैं कितनी इन्फॉर्मेशन मिलती है वैकेंसीज के बारे में, कितनी वहाँ पे अटकी हुई है जो गई नहीं है, और कितनी गई है तो उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं हुआ, या क्या एक्शन हुआ। तो कुछ काम तो हो ही रहा है, ये तो सब लोग महसूस कर रहे हैं, लेकिन बहुत स्पीड से होना चाहिए, जिससे कि हम एंश्योर कर सकें कि जो 23-24 वाला साल है एकेडमी का, उससे पहले जीरो वैकेंसी हो जाए। और वही नहीं है, जो प्रमोशन में भी वो भरना है, प्रमोशन की पोस्टें भी जो है वो भी फिल करनी है। वो जब प्रमोशन की पोस्टें फिल होंगी तो नीचे वाला जो पोस्ट होगा वो खाली हो जाएगा, वो भी भरना है। तो जी सर, जी सर। कंटिन्यूस प्रोसेस है, और ये बड़ा प्रोसेस है, इसमें है हर रोज कोई व्यक्ति पूरी नजर रखे कि नई पोस्टें कितनी बन रही है, कितनी आ गई है, उसका प्रोसेस हो गया है, पुरानी कहाँ कहाँ अटकी हुई है, उनमें क्या स्टेज है। कोई हो सकता है किसी केस में हाईकोर्ट से भी ऑर्डर हो, स्टे हो, या कैट से स्टे हो, इस तरीके की प्रॉब्लम भी है, उसको भी देखेंगे कि कैसे वो स्टे ऑर्डर खत्म हो और गाड़ी आगे चले। जी सर, ये है सर, राउंड अबाउट पूरा ही जो है ना नजर रखने की जरूरत है, और हम लोग मॉनिटर कर रहे हैं जितना भी हमारे पास इन्फॉर्मेशन इकट्ठी हो रही है, उसके हम लोग मॉनिटर कर रहे हैं और प्रेशर कर रहे हैं गवर्नमेंट को भी, और कॉर्पोरेशन को भी, और DSSB को भी, और लेट अस सी, हमारे पास फिर अल्टीमेटली कोर्ट का रास्ता तो है ही ना। जी सर, जैसे आप सर बात कर रहे हैं कि 2023 और 24 का जो सेशन होगा तो उस टाइम तक जीरो वैकेंसीज होनी चाहिए, तो इस हिसाब से तो सर अगर जैसे आपने भी कई बार पोस्ट डाली तो उसके हिसाब से तो बहुत सारी वैकेंट पोस्ट है, रेशियो के हिसाब से भी देखा जाए तो दिल्ली में तो बहुत कम है जो स्टूडेंट टीचर का रेशियो है, तो इस हिसाब से तो वैकेंसीज बहुत सारी बन सकती हैं। अब ये गवर्नमेंट करती है हर साल जो है ना पोस्ट फिक्सेशन करती है। अच्छा। रेशियो को दिमाग में रख के करती है, वो पोस्ट फिक्सेशन हो गया है या होने वाला है, और अगर होने वाला है तो उसमें कितनी पोस्टें नई आई हैं। अभी ये भी श्योर नहीं है कि, कहने को तो है कि दिल्ली सरकार के अंदर बच्चे बड़े हैं, लेकिन अभी ये भी श्योर नहीं है कि बड़े हैं तो कितने बड़े हैं, और बड़े भी हैं या नहीं बड़े हैं या घट गए हैं। जी सर, तो जब तक प्रॉपर फिगर्स नहीं आएंगी ना तब तक आगे का कार्रवाई करने में थोड़ी दिक्कत तो होती है। जी सर, तो सर आप कल जैसे रिव्यू करेंगे तो हम लोग भी और डेटा इकट्ठा कर रहे हैं,
और जो टेंटेटिव वैकेंसीज वाला जो था कैलेंडर वाला, तो उस डेटा को भी अगर यूज कर पाते, क्योंकि उसमें तो बोर्ड ने खुद बोला कि हाँ इतनी लगभग वैकेंसीज हम इस डेट को एडवर्टाइज करेंगे, तो वो डेटा भी हम शायद यूज कर पाते तो देख लेंगे उसको, काउंटर चेक कर लेंगे, मतलब काउंटर चेकिंग के पर्पज से यूज कर सकते हैं, लेकिन बोर्ड के ऐसा कह देने से कोई खास फर्क पड़ता नहीं है जी सर, वो तो सर आप अच्छी तरह जानते हैं। हाँ काउंटर चेक कर सकते हैं जी सर। तो सर कल आप एक बार रिव्यू करेंगे तो, और उसके बाद जो भी हम कुछ कर पाएंगे हम भी करेंगे और बच्चे भी जो कुछ कर पाएंगे। हाँ रिव्यू करेंगे, उसके बेसिस पे फिर सोमवार या मंगलवार को कोई एक्शन करेंगे हम। जी सर, सर बड़ी उम्मीदें हैं आपसे सर, ऐसे ही आप काम करते रहें सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका।